फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कैसे केक की आइसिंग के लिए नॉन डेरी क्रीम को बीट करना है और कैसे उस पर डिजाइन बनाना है। इसके लिए हमने नॉन डेरी क्रीम ले लिया है, ये बिल्कुल चिल्ड है और हमारा बर्तन भी बिल्कुल चिल्ड है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक बीटर लेंगे और बिल्कुल स्लो स्पीड पर इसे हम तीन से चार मिनट के लिए पहले मिक्स करेंगे और ब्लेंड करेंगे। तो इस तरीके से हमें इस मशीन को चला लेना है, आप देख सकते हैं, और ये थोड़ी थोड़ी स्पीड हमें आगे बढ़ाती जानी है। तो इस तरीके से हमने पहले रोक दिया है और फिर हम स्पीड को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। तो जैसे ही हम स्पीड को बढ़ाएंगे, आप देख सकते हैं क्रीम की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ये प्रोसेस हमको कम से कम 5 से 6 बार कर लेना है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस क्रीम के नीचे आइस का बाउल भी रख सकते हैं। मैं बिल्कुल एसी रूम में कर रही हूँ, इसलिए हमें आइस की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप क्रीम बिल्कुल ठंडा ही यूज करें और ब्लेंड करें। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी, वैसे ही क्रीम हमारी डबल होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी क्रीम की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और बार बार इसे स्पैचुला से एक बार मिक्स करते जाना है और फिर से बीटर से इस तरीके से हमें ब्लेंड कर लेना है। ये प्रोसेस कम से कम 5 से 6 बार चलेगा। तो इसी तरीके से फिर हम स्पैचुला से एक बार मिक्स कर लेते हैं। करीब करीब हमारा क्रीम आइसिंग के लिए तैयार है, लेकिन एक बार हम इसको बिल्कुल फुल स्पीड पर इसे एक बार ब्लेंड करेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल फुल स्पीड में हम ब्लेंड करेंगे और मशीन को बिल्कुल तेज स्पीड में करके हमें इस तरीके से निकाल लेना है। अब हम क्रीम को एक बार स्पैचुला से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये क्रीम हमारा बिल्कुल परफेक्ट है केक की आइसिंग के लिए। अब मैं इसे एक पाइपिंग बैग में भर लेती हूँ। मैं आपको इससे आपको डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें नोजल डाला है स्टार वाला और इसे मैं रोजेज बना रही हूँ। तो एक ही स्टार नोजल से मैं आपको 4 से 5 डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। तो ये हमने रोजेज बनाए, आप देख सकते हैं क्रीम कितना अच्छा बीट हुआ है, बिल्कुल क्लियर हमारा रोजेज बन रहा है। अब केक के नीचे कैसे बॉर्डर बनाना है वो डिज़ाइन ये बन रहा है। आप इसको केक के टॉप पे भी बना सकते हैं। मैं एक डिज़ाइन और बना रही हूँ, इस तरीके से आप बना सकते हैं। और आप कप केक पे एक बड़ा वाला डिज़ाइन भी बना सकते हैं और चाहे तो मफिन पे भी। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपको यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो हमारी, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।